morning everyone, it's me again, your science teacher. How are you? I hope you all are doing well and having wonderful days. Today I'm back with the third part of chapter number 2, and in today's class we are going to discuss the health of our teeth and how to keep our teeth healthy. And after this we are going to revise what we have done in this chapter. So first of all, let me explain you a few terms. So first one is decay. हेयर जर्म्स इन्फेक्टिंग और वीकनिंग ए टूथ. जर्म्स हमारे दांत पे अटैक करते हैं, हमारे दांत को खराब कर देते हैं. दिस इज नथिंग बट डिके. नेक्स्ट वन इज प्लाक. प्लाक इज अ हार्मफुल सब्सटेंस दैट फॉर्म्स ऑन अवर टीथ. हमारे दांतों पर जो मैल जम जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाक. बैक्टीरिया अटैक ऑन अवर टीथ एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग, एंड दिस स्टिकी कोटिंग इज प्लाक. बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑन द इनेमल. ठीक है, सबसे पहले किसको अटैक करते हैं, इनेमल को. इनेमल को खा लेते हैं. अब इनेमल को खाने के बाद ये कहां पहुंचेंगे, डेंटाइन पे. बैक्टीरिया देन अटैक द डेंटाइन. लो जी, अब डेंटाइन को भी खा लिया. एंड फाइनली बैक्टीरिया अटैक ऑन द पल्प. इनेमल को खाते हुए, डेंटाइन को खाते हुए बैक्टीरिया कहां पहुंचते हैं, पल्प पे. एंड पल्प में हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. व्हेन बैक्टीरिया अटैक द पल्प दे कॉज पेन. हमारे दांत में दर्द कब शुरू होता है, जब हमारे बैक्टीरिया इनेमल को ब्रेक करते हुए, डेंटाइन को ब्रेक करते हुए पल्प तक पहुंचते हैं, तब हमारे दांत में दर्द शुरू होता है. दिस इज हाउ बैक्टीरिया अटैक आवर टूथ. नेक्स्ट वन इज डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉस इज अ सिल्क थ्रेड यूज्ड फॉर क्लीनिंग बिटवीन द टीथ. जब हम कुछ खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के बीच में भी फंस जाता है, तो दांतों के बीच में ब्रश से तो सफाई होती नहीं है, तो दांतों के बीच में सफाई किसकी हेल्प से होती है, डेंटल फ्लॉस की हेल्प से. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ डेंटल फ्लॉस. दिस इज द पिक्चर ऑफ डेंटल फ्लॉस. विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड वी क्लीन बिटवीन आवर टीथ. एंड हाउ वी क्लीन बिटवीन आवर टीथ, like this. We put this thread in between our teeth and we pull it down, and this is how we clean between our teeth. Next we are going to know what are important for healthy teeth. Calcium and vitamin C are very important for our teeth. Mama bolti hai na, zyada doodh piyo. Zyada doodh peene ko kyu bolti hai mama, kyunki doodh mein kya present hota hai, calcium. And calcium hamare daanton ko kya banata hai, majboot. So कैल्शियम एंड वाइटामिन सी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीथ. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कीप टीथ हेल्दी. नंबर फर्स्ट, ब्रश ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द नाइट बिफोर यू गो इन टू योर बेड. नंबर सेकेंड, यूज डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ. आई हैव टोल्ड यू अबाउट डेंटल फ्लॉस, सो यूज डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ. नंबर थर्ड, वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी खाना खाओ, खाना खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करते हो तो कुल्ला तो जरूर करना चाहिए. नंबर फोर्थ, डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स. मामा बोलती है ना, ज्यादा टॉफी चॉकलेट मत खाओ, ज्यादा टॉफी चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, सो डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स. नंबर फाइव, विजिट डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स. सो हाउ टू कीप आवर टीथ हेल्दी, नंबर फर्स्ट, ब्रश ट्वाइस अ डे. Number second, use dental floss to clean between two teeth. Number third, wash your mouth after every meal. And number fourth, do not have too many sweets. And number five, visit dentist regularly for checkup. So this was all about chapter number 2. Now we are going to revise what we have done in this chapter. First of all, we discussed about teeth. There are two types of teeth. Number first, milk teeth, or we can say them temporary teeth. And number second, permanent teeth. Milk teeth, total number of milk teeth are 20 and total number of permanent teeth are 32. Next, we studied about four types of permanent teeth. Number first, incisors. Number second, canines. Number third, premolars. And number fourth, molars. Total number of incisors are 8, total number of canines are 4, and total number of premolars are 8, and we have 12 molars. नेक्स्ट हमने टूथ की स्ट्रक्चर देखी थी. अवर टूथ हैज थ्री पार्ट्स. नंबर फर्स्ट क्राउन, नेक, एंड लास्ट वन इज रूट. एंड नेक्स्ट वी हैव थ्री लेयर्स ऑफ ए टूथ.
outermost layer is enamel, and below enamel there is dentine, and at the last, below dentine, we have pulp. Next, we discussed about microbes. Some microbes are useful for us and some microbes are harmful for us. Harmful microbes ko hum kya kehte hain? Germs. Next, we have four main kinds of microbes. Number first, bacteria. Number second, viruses. Number third, protozoa. And number four, fungi. So this was all about chapter number second. I hope you have understood all the topics. If you have any problem, you can send to me. I'll try to solve your problems. Thank you.